अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिंगफेंग यूलो की मदद से इस जन्म में वर्जिन से मरने से बच जाता है। ऑफिसर लिंगफेंग की फाइट देख लेती है और वो अपने मन में बोलती है, आयरन का कपड़ा ही है, कुंफू ही है। फिर वो अपने डायरी में लिखती है, लिंगफेंग जवान लड़का और कुंफू, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। फिर अगले दिन टियाने और लिंगफेंग स्कूल चले जाते हैं। टियाने उससे पूछती है, मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, क्या तुम्हें चोट लगी है क्या? लिंगफेंग बोलता है, नहीं, क्यों? टियाने बोलती है, लेकिन वो पत्थर तुम्हारे सर में जाके टूट गया था। लिंगफेंग बोलता है, मैं सही में ठीक हूँ, शायद वो पत्थर मुझे लगने से पहले ही टूट गया होगा। फिर अचानक से उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो अपने मन में बोलता है, ये किस तरह का फीलिंग है? जबकि कोई चेतावनी नहीं मिली है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि टास्क शुरू हो गया है। टास्क में लिखा रहता है, बेइज्जत को लव लेटर लिखो। टास्क का लेबल है ए और तुम्हें इनाम मिलेगा 2 पॉइंट। लिंगफेंग अपने मन में सोचने लग जाता है, बेसिन क्या वही है? बेसिन वहाँ से जा रही होती है। वहाँ के सारे लड़के उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है, देखो बेसिन यहाँ पर आ गई है। दूसरा लड़का बोलता है, ये कितनी सुंदर है। और लिंगफेंग भी उसे देखने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद बेसिन उसे देखती है तो लिंगफेंग शॉक्ड हो जाता है। लिंगफेंग के पीछे जो लड़के खड़े थे वो लोग सोचते हैं कि ईचेन उसे देख रही है। वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है, वो इस तरफ देख रही है। ईचेन अपने मन में सोचती है, ये लिंगफेंग है, इस गधे को गुम्फू आता है, क्या बकवास बात है। यान लिंगफेंग को देखती है और सोचती है, इसे क्या हो गया? और फिर वो बोलती है, क्लास शुरू होने वाला है। लिंगफेंग बोलता है, ओ मैं भूल ही गया, ठीक है तुम क्लास में जाओ, मैं आ रहा हूँ। क्वान क्लास में चली जाती है और फिर वो सोचने लगती है, वो इस तरह का हरकत क्यों कर रहा था। फिर तभी लिंगफेंग वहाँ पर आ जाता है और क्वान को बोलता है, तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। तभी क्वान शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, फेंग नहीं, तुम्हारा क्या हुआ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? लिंगफेंग बोलता है, मैं बेसिन के लिए लव लेटर लिखा हूँ, प्लीज क्या तुम उसे दे सकती हो? क्वान उस लेटर को लेकर बोलती है, क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? लिंगफेंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, इससे मुझे बहुत ही मदद मिलेगा। फिर क्यों ना उसे पढ़ती है। उसमें लिखा रहता है, तुम सुंदर से भरी हुई हो और बहुत ही समझदार हो और तुम्हारा ऑरा बहुत ही अच्छा है, तुम हमारी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो, मुझे मौका दो एक बार। लिंगफेंग क्वानी ये पढ़ने के बाद बहुत ही हंसने लग जाती है। लिंगफेंग बोलता है, ये अजीब है क्या? क्वान बोलती है, उतना भी बुरा नहीं है, मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद उसे दे दूंगी। लिंगफेंग बोलता है, ठीक है। क्लास ख़त्म होने के बाद क्वान बेसिन के पास जाती है और बोलती है, क्या तुम बेसिन हो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो उसे लेटर दे देती है। दूसरी तरफ लिंगफेंग क्वान का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर उसी समय क्वान वहाँ से दौड़ते हुए आती है और बोलती है, लिंगफेंग। लिंगफेंग बोलता है, इतने जल्दी किस बात की है, मैं भागा नहीं जा रहा हूँ, तुम उसे दे दी हो ना? क्वान बोलती है, हाँ मैं दे दी हूँ, वो अभी पढ़ रही होगी, मिशन कंप्लीट हो गया और मुझे 2 पॉइंट आराम से मिल गए। फिर वो क्वान से बोलता है, ठीक है चलो घर चलते हैं। दूसरी तरफ बेसिन उसका लेटर पढ़ रही होती है और बोलती है, तुम इतना कॉन्फिडेंट हो या पूरी तरह बेवकूफ़ हो? फिर वो लेटर फेंक देती है बाहर की तरफ। सैंग वो लेटर उठा लेता है। फिर किसी को फ़ोन करके बोलता है, लिंगफेंग एक लड़का है जो लव लेटर लिखा बेसिन को। बेसिन कभी भी लव लेटर नहीं पढ़ती है, लेकिन इस बार वो पढ़ कर मुस्कुराई, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, ठीक है मैं वो लेटर तुम्हें दे दूंगा। फिर वो हंसने लग जाता है और बोलता है, लिंगफेंग अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है। फिर अगले दिन वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और बोलता है, हेलो ईचेन। वहाँ के सारे लड़के उसे देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसमें से एक लड़का बोलता है, ईचेन हमारी गॉड है, ये फिर से यहाँ पर आ गया, इसका क्या प्रॉब्लम है? वो लड़का ईचेन को बोलता है, मेरे पास 2 टिकट है, वो भी फ्रेंड्स मूवी का, चलो जाकर देखते हैं साथ में। ईचेन बोलती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं चलती हूँ। वो लड़का उसे रोक देता है। ईचेन बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? वो लड़का बोलता है, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो, मैं अमीर हूँ, हैंडसम हूँ और इंटेलिजेंट भी हूँ। बेसिन लिंगफेंग को आते हुए देख लेती है और फिर उस लड़के को बोलती है, मुझे तुम्हारी उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और बोलती है, लिंगफेंग मैंने तुम्हारा लव लेटर पढ़ा, मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगी मूवी के लिए, मुझसे मिलो स्कूल के पार्क में, याद रखना अपने आप को साफ करके आना, ऐसा मत आ जाना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। लिंगफेंग बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें मिलता हूँ पार्क में। वो लड़का लिंगफेंग को बोलता है, लिंगफेंग वो तुम्हें एक शील्ड की तरह यूज़ कर रही है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम वहाँ पर मिलने मत जाओ। लिंगफेंग बोलता है, लेकिन यह तो कैंपस ब्यूटी ने बुलाई है, ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं है। वो लड़का बोलता है, तुम वहाँ जाकर मज़ा नहीं कर पाओगे। लिंगफेंग बोलता है, तुम्हें इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
मैं सांप होकर जाऊंगा। वो लड़का बोलता है ठीक है, गुड लक तुमको। लिंगफेंग बोलता है तुम्हें भी। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही क्वेन उसकी ओर से गुजरती है वो वहीं रुक जाता है और वो बोलता है ये लड़की कौन थी। फिर वो चिल्लाकर बोलता है जैंग। जैंग बाहर आकर बोलता है हाँ उसका नाम है टियान क्वान और जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ वो लिनफेंग की बचपन की दोस्त है और वो लोग का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। वे लोग साथ में स्कूल जाना आना करते हैं। मैं टियान क्वान का पीछा कर रहा था उसी के चक्कर में मुझे लिनफेंग ने मारा था। मास्टर जून आप ऐसा मत करिएगा। वो लड़का बोलता है मैंने सिर्फ बेसिन पर ही फोकस किया था कब से और चूक गया था मैं इन लड़कियों को देखना। लिनफेंग मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुझसे भिड़ने का नतीजा। अगले दिन लिनफेंग तैयार हो जाता है अपने डेट के लिए और बोलता है इतना भी बुरा नहीं लग रहा हूँ साफ होने के बाद मैं। फिर वो बेसिन का इंतजार करने लग जाता है स्कूल के पार्क में। फिर कुछ देर के बाद लिनफेंग अपने मन में सोचता है वो नहीं आएगी। मैं क्या सोच रहा था मिस तुमने मेरा दिल तोड़ा। फिर वो यही सब सोचते सोचते वहाँ से जाने लग जाता है। फिर उसी समय एक गाड़ी वहाँ पर आता है और फिर हॉर्न बजाने लग जाता है। फिर लिंग पीछे मुड़ कर देखते हैं और बोलता है यहाँ क्या चल रहा है। फिर गाड़ी के अंदर से बोलती है लिनफेंग गाड़ी के अंदर आओ। लिन बोलता है क्या तुम बेइज्जत हो। वो लड़की बोलती है वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आई हूँ मैं उसकी बहन हूँ। जैसे उसका काम ख़त्म हो जाएगा वो वहाँ पर आ जाएगी। फिर वो गुस्से से बोलती है अगर तुम जल्दी ही अंदर नहीं आए तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर वो जल्दी से अंदर बैठ जाता है। फिर वो उसके सुंदर पाँव और बड़े बूब्स को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और जैसे उसका फेस को देखता है और वो घबराने लग जाता है। डर के मारे अपने मन में बोलता है कितनी डरावनी ये है। वो लड़की सोचती है इसे क्या हुआ। फिर उससे बोलती है तुम कहाँ से कुंफू सीख रहे हो। लिन बोलता है कैसा कुंफू। वो लड़की बोलती है मैंने तुम्हारा फाइट देखा था और मैं भी एक मार्शल आर्ट परिवार से हूँ और मैं बोल सकती हूँ कि तुम कुंफू प्रैक्टिस करते हो। लिन बोलता है ये मेरा अपना डिसीजन है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर वो अपने मन में बोलता है क्या मैं अपने आप को मुसीबत में डाल दिया हूँ इसे करके। वो लड़की बोलती है तुम्हारा परिवार तो माउंटेन में प्रैक्टिस करता है ना तुम किस कारण से माउंटेन के नीचे आए हो। फिर लिन अपने मन में बोलता है ये बहुत ही बड़ा गलत फहमी हो रहा है मेरा कोई भी परिवार को कुंफू नहीं आता है लेकिन मैं इसे सच नहीं बोल पाऊंगा इसके अलावा ये कुंफू नहीं है ये आयरन का कपड़ा है। फिर उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। लिंग बोलता है क्या एक और नया टास्क और टास्क में लिखा होता है बेस जोई के चेस में किस करना टास्क लेबल है सी और इसे इनाम मिलेगा 10 पॉइंट। वो घबराते हुए अपने मन में बोलता है ये मुझसे बहुत ही बड़ा मजाक कर रहा है उसके चेस में किस करना अगर मैंने ये किया तो मैं ये भी नहीं बोल पाऊंगा कि ये कोई एक्सीडेंट था। मैं बहुत ही बेकार हूँ इन घमंडी लड़कियों से डील करने के लिए अगर मैंने कुछ भी किया तो मैं सही में मारा जाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद वो लड़की बोलती है हम लोग आ गए हैं। लिन बोलता है आ गया है तो मैं चलता हूँ तुम्हारा शुक्रिया अगर मैं और भी ज्यादा देर गाड़ी में रहता तो मुझे लगता मेरा जिंदगी कम हो रहा है। लिन को लगा उसका कोई पीछा कर रहा है और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर वही लड़की होती है और वो घबरा कर बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो लड़की बोलती है कैसे मैं तुम्हें और इचिन को अकेला छोड़ दूंगी ये मेरा प्लान है उसे बाहर निकालने का कि तुमसे मिलाऊंगी तुम्हें क्या लगा वो तुम्हें डेट करेगी। सबसे पहले टिकट खरीदो 3 खरीदना। फिर वो टिकट खरीदने लग जाता है और बोलता है 3 टिकट ना कोई पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। रिसेप्शनिस्ट बोलती है आपका $159 हुआ। लिन रोते हुए बोलता है मुझे उसका टिकट क्यों खरीदना है जिससे मैं जानता ही नहीं हूँ। फिर वो टिकट खरीद लेता है और चिल्लाकर बोलता है मेरा हो गया 3 टिकट ले लिया।